कानपुर के कपड़ा बाजार की आग पर करीब 84 घंटे बाद काबू पाया जा सका, यानी इस आग को पूरी तरह से बुझाने में 4 दिन लग गए। अब अंदाजा लगाइए कि लपटों का वो मंजर कितना विभत्स रहा होगा। आग बुझाने के बाद कपड़ा बाजार के व्यापारियों को एनडीआरएफ और पुलिस की टीम के साथ अंदर भेजा गया। केडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एनडीआरएफ की टीम ने सभी बिल्डिंग्स का सर्वे किया। इसके अलावा आईआईटी की टीम भी इन जली हुई बिल्डिंग्स का सर्वे करेगी। वहीं कानपुर डीएम ने कपड़ा बाजार में आग की जाँच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर के साथ स्थिति का निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष को मौके पर देख कई व्यापारी भी उनके साथ आए और भवनों के अंदर गए। यहां सतीश महाना ज्ञान नाम के व्यक्ति के परिजनों से भी मिले, जिसकी हमराज कॉम्प्लेक्स में जलकर मौत हुई थी। उन्होंने 5 लाख की सहायता राशि और दोनों बच्चों की पढ़ाई का आश्वासन दिया। हम अलग अलग टीम बनाकर जो जहाँ पर आग लगी है या सौभाग्य से उस जगह बच गई है, बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए इंस्पेक्शन कराएंगे और जितना भी उनका माल निकल सकता है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट लेवल को पूरी इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन के द्वारा भेजी जा चुकी है। मैं भी सरकार से बात करूँगा कि कानपुर महानगर में जो इस प्रकार की घटना हुई है इसमें क्या किया जा सकता है। कपड़ा बाजार के 6 कॉम्प्लेक्स की आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने जी जान लगा दी। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने धधक रही मार्केट की बंद दुकानों के शटर काटकर और दीवारें काटकर पानी की बौछारें मारी। पानी से बाजार की धधक को ठंडा किया गया ताकि दोबारा आग ना भड़के। 84 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यूपी के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ा बाजार की आग पर काबू पाया जा सका। लखनऊ, प्रयागराज और आगरा से आई 3 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन्स की मदद से सबसे ज्यादा आग बुझाई गई। आग बुझाने के लिए दुकानों के शटर काटने के लिए 10 इलेक्ट्रॉनिक कटर और दीवारें काटने वाला कटर, इसके साथ ही कई स्मोक एक्सट्रैक्टर लखनऊ स्थित अग्निशमन मुख्यालय से लाए गए। स्मोक एक्सट्रैक्टर की मदद से तेजी के साथ धुएं को बाहर निकाला गया। इसके साथ ही कटर से दीवार काटी गई और तेजी के साथ टीम आगे बढ़ी। कानपुर कपड़ा बाजार की आग बुझाने के लिए कानपुर मंडल ही नहीं बल्कि कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर देहात समेत 10 जिलों की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई। इसके साथ ही 4 जिलों के सीएफओ ने मौके पर पहुंचकर अलग अलग जगह मोर्चा संभाला। साथ ही लखनऊ स्थित मुख्यालय से अफसरों की फौज और फोर्स के साथ ही कई संसाधन मंगाए गए, तब जाकर की ये आग बुझ सकी। कानपुर में कपड़े की सबसे बड़ी मंडी में 6 कॉम्प्लेक्स और उनमें बनी 800 दुकानें जल चुकी हैं। व्यापारियों के मुताबिक करीब 20 अरब का नुकसान होने का अनुमान है। इस अग्निकांड की शुरुआत शुक्रवार रात 1 बजे ट्रांसफार्मर से निकली एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी और मानकों से इतर हुए कंस्ट्रक्शन की वजह से ये आग बढ़ती ही चली गई। एनबीटी टीम ऑनलाइन की रिपोर्ट।